अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का उदाहरण 20 है, और ये कहता है GOF परिभाषित तथा एकैकी फलन है, क्या फलन F तथा G दोनों अनिवार्यतः एकैकी है? तो बच्चों, इसके पूर्व में आपने आच्छादक के लिए सिद्ध किया था, ये एकैकी के लिए है। तो हम इसको भी उदाहरण दे करके समझाएंगे, क्या F और G दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं? तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक को एकैकी लेते हैं और दूसरे को हम बहु एकैकी लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना फलन F एकैकी तथा अंतरक्षेपी है, ये मान लेते हैं, एकैकी तथा अंतरक्षेपी इस प्रकार है, एकैकी अंतरक्षेपी का एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो F such that 1, 2, 3, 4 tends to 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंतरक्षेपी मतलब इसके कुछ अवयव छूटे हैं, और एकैकी मतलब एक का एक के साथ है। तो हम इसको ले लेते हैं, जहां F of 1 is equal to 1, F of 2 is equal to 2, F of 3 is equal to 3 and F of 4 is equal to 4। तो बच्चों, ये दिख रहा है एकैकी है और अंतरक्षेपी इसका उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा फलन तथा, मान लिया दूसरा फलन G बहु एकैकी अंतरक्षेपी है, ये मान लेते हैं, बहु एकैकी अंतरक्षेपी फलन इस प्रकार है, कि G such that, तो यहां पर देखें बहु एकैकी है और अंतरक्षेपी है, ठीक है। मान लो G such that 1, 2, 3, 4, 5, 6 tends to 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, जहां इस प्रकार से परिभाषित है कि G of 1 is equal to 1, G of 2 is equal to 2, G of 3 is equal to 3 and G of 4 is equal to 4, तथा G of 5 is equal to G of 6 is equal to 5। अब इसको समझ लो बच्चों, क्योंकि फलन में इसका कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, इसके सारे अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। तो आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बहु एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, इसके कोई भी एक से अधिक अवयव का इसमें एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है 5 और 6, इसके 5 और 6 का एक ही प्रतिबिंब है 5, और अंतरक्षेपी होने के लिए इसका कोई अवयव छूट जाए तो 6 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, छूटा हुआ देख लीजिए, 6 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम GOF निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि F को एकैकी अंतरक्षेपी तथा G को बहु एकैकी अंतरक्षेपी लेने के बाद या लेने पर GOF किस प्रकार से आता है, क्या एकैकी आता है, हम ये देख लेते हैं। तो चूंकि GOF such that A tends to C, यानी F का प्रांत A, जो कि GOF का प्रांत होगा, ये प्रांत होगा, ये A है मान लीजिए, और C G का सब प्रांत, C कहाँ है, ये समुच्चय A है और ये समुच्चय C है, A से C, ठीक है। अब जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो बच्चों यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि प्रांत के अवयव कौन कौन से हैं। ए कौन से, ये यानी x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमको करना है, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ f ऑफ वन, g ऑफ f ऑफ टू, g ऑफ f ऑफ थ्री और g ऑफ f ऑफ फोर। इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं ये जो f ऑफ वन है, तो g ऑफ f ऑफ वन की वैल्यू रखिए, f ऑफ टू की वैल्यू रखिए, f ऑफ थ्री की वैल्यू रखिए और f ऑफ फोर की वैल्यू रखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कहाँ है g ऑफ वन, सॉरी f ऑफ वन वन, f ऑफ टू टू, f ऑफ थ्री थ्री, आप देखते जाएं f ऑफ फोर इक्वल टू फोर। अब हमको निकालना है g ऑफ वन, निकाल चुके हैं, g ऑफ टू टू है, g ऑफ थ्री थ्री है, g ऑफ फोर फोर है। अब आप ये जो हमारा g ओ f है कैसा परिभाषित हो रहा है, देखिए g ओ f इज इक्वल टू कैसा है, वन वन। तो बच्चों g ओ f इज इक्वल टू वन वन, टू टू, थ्री थ्री एंड फोर फोर। यहाँ से स्पष्ट है जो एकैकी है। अब क्या देखने को मिल रहा है, आप गौर करें बच्चों, आपने क्या लिया था कि f को आपने माना था एकैकी माना था, ठीक है, और g को आपने माना था बहुएकैकी। तो f एकैकी तथा g बहुएकैकी होने पर भी g ओ f एकैकी मिलता है। इसका मतलब g ओ f को एकैकी होने के लिए f तथा g को अनिवार्य रूप से एकैकी होना आवश्यक नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः जी ओ एफ को एकैकी होने के लिए एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः एकैकी हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे प्रश्न को हम ऐसे उदाहरण लेकर के समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें।